तो गाइस, मैं आज आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि एयर बलून के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। आप सब लोग जानते ही होंगे कि पहले हम एयर बलून के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, ऊपर से कुत्ते थे तो भी आर पार चला जाता था कैरेक्टर हमारा। और ये एयर बलून कुछ बक्सा गिराता था यार, जिसमें वह कुछ लूट होता था। पर अभी ये कुछ गिरा भी नहीं रहा है और हमें उसके ऊपर चढ़ के लूट करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि इसके ऊपर चढ़ा कैसे जाए। तो इसका जवाब है, ये आप लोग सब देख ही रहे होंगे कि एयर बलून ये कुछ रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये एक रस्सी नहीं है, ये बल्कि एक तरह का जिप लाइन है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चढ़ गया हूँ और इसके ऊपर एक लूट बॉक्स है और पहले से थोड़ा सा लूट पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक स्कार मिल गया मुझे। तो इस बक्से को खोल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। क्या ये तो कुछ सेकेंड आ रहा है। और इसका पीछे लूट होता है, हाँ मैं भूल गया था। और ये जो काउंटडाउन जहाँ सामने में जो चल रहा है वो है जो मतलब ये बक्सा जो फिर से भरने वाला है ये काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद। इसका मतलब हम ये काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद हम इस बक्से को फिर से खोल सकते हैं और दोबारा इसको लूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे उतरते हैं। खुद को उतरना पड़ेगा, कुछ डैमेज तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, स्केट बोर्ड लेके उतरा नीचे, बहुत बढ़िया यार, ये सिस्टम भी अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। मुझे अभी जोन से निकलना है, मेरे सारे टीममेट्स जोन के अंदर में ही हैं। और मैं भूल कैसे सकता हूँ, इस गेम को बुआ भी करना है मुझे तो।